अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रजिस्टर कॉल के रिवाइज करें सर। कल क्या पढ़ रही है? नीचे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा बाजार है। रजिस्टर कॉल है सर, क्या पढ़ रहे थे? कल वाली बातें रिवाइज की है सर, बस करें बेटा, प्लीज स्टार्ट करें। तो कल से रिलेटेड कंफ्यूजन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में आप कोई कंफ्यूजन रह गई हो? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन वाइज चला जरा, 1 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मसला निकाले, पेज निकाले। क्लास में काइंडली प्लीज टाइम पे ज्वाइन किया करें बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में मसला सर, मैं इधर हूँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 रिटर्न समझ आ गए? 4 ये रेंट एक्सपेंस इंक्रीज और कैश डिक्रीज। कैश स्टिल का मतलब होता है कैश ड्रॉ। बड़ा आप क्लासेस रेगुलर नहीं ले रहे, इसका कोई फायदा नहीं। दीज क्वेश्चन आर टाइम वेस्टिंग। 20th जून मिस्टर मलिक राफी साहब, रेंट एक्सपेंस इंक्रीज और कैश डिक्रीज। ये कहीं बताएं क्या उसमें समझिए। ये मलिक राफी साहब आपने भी क्लासेस नहीं लेंगे, इस तरह ही कुछ क्लासेस लेंगे तो पता चल जाएगा फिक्सर कैसे करते हैं। इस चीज का मजाक ना बना। क्वेश्चन नंबर 3 निकालने के 1 मिनट सर। ये बेटा माइथ 22 में बताएं क्या समझ नहीं आ रहा। बाय चेक पैसे मिल रहे हैं, देयरफॉर बैंक इंक्रीज, और बिल्डिंग पे दी भी, देयरफॉर रेंट इनकम हमारी इंक्रीज होती है। कुछ स्पेसिफिक अगर चीज नहीं समझ आ रही तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। कैश स्टिल मीन्स होता है कैश ड्रॉ, जिसमें अपने बिजनेस का कैश रखा होता है। आई एम वेटिंग प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर 22 मार्च में क्या इशू रह गया? बैंक इंक्रीज और रेंट इनकम, बिल्डिंग रेंट पे दी गई। जो हजरात मेरे सामने बैठे कोई कंफ्यूजन? सब क्लियर है सर? अच्छा आ गए यार। ये एसी वगैरह चला लो सर। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 मार्च 22 आई एम आस्किंग प्लीज, कोई अगर इशू है तो स्पेसिफिक बता दें। जो मैंने चीजें बतानी थी वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, क्या चीज समझ नहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। चलिए सर 1 मिनट जरा। मैंने कल जाते हुए कुछ इनकम्स के एंगल से बात की थी, उसको मैं चाहूंगा थोड़ा सा लिख के करता हूँ। और बैठ जाए यार, क्या हो गया? प्लीज अ न्यू पेज, पेज एक नया पेज निकाले अपने सामने। रिसीवेबल तब डिक्रीज होगा जब रिसीवेबल होगा। ये सर एक सिनेरियो बनाया था जो कल मैं बातें कर रहा था, जरा काइंडली थोड़ा सा देखते करा। और केस से पहले एक सेकंड एग्जांपल से पहले बड़ा बवाजे काइंडली नहीं आ रहा। आप काइंडली उठ गए? आप कहीं उस तरफ चले गए जहां कोई नहीं है? ऐसे सारे चला देंगे, कोई भी नहीं चला। उठ जाए, उठ जाए, जल्दी से उठ। मैं आपको नहीं कह रहा, पीछे वाला छोड़ दिया। सारे इसे चला रहे हैं अब्दुल रहमान, इसे चलाओ सारे, ये पीछे वाला जी सर। जी सर जी, इनकम की जरा डेफिनेशन रिवाइज करवाया जरा। इनकम किसे कहते हैं?
earnings of business. Earnings of business from its activities. इसी तरह दोबारा लिखना शुरू करने पर एक तरह सॉल्यूशन से क्रिएट हो जाएगी। अब ये तो एक जनरल डिसीजन है, इन अर्निंग्स कमाई फ्रॉम इट्स एक्टिविटीज, लेकिन अगर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स हो, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज when risks and rewards are transferred from seller to buyer, अगर गुड्स से रिलेटेड इनकम है तो वो कब अर्न हो जाती है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाता है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर हो जाता है? रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर रेगुलरली। रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स, अब जेनरली ट्रांसफर when the good delivered मतलब सेल किसने पे रिकॉर्ड करते हैं? जिसने सेल हो जाती है, सेल किस दिन हो जाती है? जिसे गुड्स हम दे देते हैं, पकड़ा देते हैं, गुड्स देने से क्या होता है? चीजों के रिस्क और रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अगर लिखे तो चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, जिसने आप गुड्स देंगे दैट इज अ डेट जब सेल इनकम हो गई, चाहे पैसे आ गए हो या ना आए, और अगर पैसे नहीं आए और चीजें दे दी हैं तो फिर चीजें दे देने से और पैसे ना मिलने से हमारा इनकम रिसीवेबल रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर हो गया। डेटर किस दिन इंक्रीज होगा? इस दिन चीजें दे दी होंगी लेकिन पैसे नहीं मिले होंगे, क्या चीजें देने से पहले रिसीवेबल हो जाए? चीजें देने के बाद रिसीवेबल होंगे, शायद सही वर्ड्स हैं, चीजें देते ही देने के फौरन बाद रिसीवेबल, कब तक रिसीवेबल रहेगा? सर हम ही भेजते, सर का मालिक क्यों भेजते हैं? सर पर हम नहीं, हमें कोई तो हंसा भूल जाते हैं सर, हम क्या पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन दो दिन रहो। जैसे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स की बात तो यहाँ तक मैंने लिख दी, लेकिन कल मैं रेंट इनकम की कुछ बातें कर रहा था, तो इनकम फ्रॉम नेक्स्ट टाइम लिखा था इनकम फ्रॉम सर्विसेज। अगर आपका सर्विसेज बिजनेस है, गुड्स का बिजनेस नहीं, वो सर्विसेज दे रहे हैं आप, तो इनकम फ्रॉम सर्विसेज इज अर्न्ड, सर्विसेज की इनकम का बन हो रही है व्हेन सर्विसेज आर व्हेन सर्विसेज आर, इसके लिए अकाउंटिंग में ग्लव्स इस्तेमाल होता है रेंडर्ड, लेकिन डेफिनेटली रेंडर्ड मींस प्रोवाइडेड, रेंडर्ड लिखकर रेगुलरली प्रोवाइडेड, व्हेन द सर्विस आर प्रोवाइडेड, जब हम सर्विसेज दे देंगे तो फिर हमारी इनकम हो गई, सही?
अगर सर्विसेज देना हमारी जिम्मेदारी है तो जिसे हम सर्विसेज रेंडर कर देंगे, रेंडर मीन्स दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो दैट इज अ डेट कि हम कह सकते हैं कि अब हमने इनकम कमा ली है, ठीक है। लेकिन हो सकता है पैसे हमें उस दिन ना मिले, तो अगर हमने सर्विसेज दे दी हैं लेकिन पैसे ना मिले तो फिर क्या हमारा सर्विसेज का रिसीवेबल हो जाएगा? लेकिन क्या सर्विसेज देने से पहले रिसीवेबल हो जाएगा? अब इस कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने कुछ कल बातें की थी, तो हम ये सर्विसेज कहेंगे सर। एक जरा रेंट की एग्जांपल लेते हैं, लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल लेते हैं। बिल्डिंग इज गिवन ऑन रेंट, बिल्डिंग इज गिवन ऑन रेंट ऑन 1st January 2021 मंथ एंड फुल स्टॉप लिखा, मंथली रेंट इज सपोज 75,000, बिल्डिंग इज गिवन ऑन रेंट। हमने अब अज्यूम करना है कि हमारी को बिल्डिंग थी जिसे हमने रेंट पे दी है, टेक ऑन ऑन रेंट को जरा रिवर्स करें, गिवन ऑन रेंट, अब रेंट हमें मिलना है या हमने देना है? हमें बिल्डिंग देनी है ताकि वो यूज कर ले और उसके अगेंस्ट हमें रेंट इनकम होनी है। तो इसके भी जरा तीन सिनेरियोज में बनाऊंगा उसी तरह जिस तरह कल डिस्कशन हुई है, तो एक एक करके मेरा ख्याल सुनते रहे, पहले पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा सारा। अच्छा, ये बात हो चुकी है, बात मेरे को नहीं नहीं करने लगा लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद ये लिख लेना चाहिए, तो इसलिए जरा दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। अब 1st January से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 1st January 2021 पहला महीना एक अज्यूम कर लेते हैं, 31st January 2021 इस महीने का रेंट कितना है, किस दिन ये 75,000 हमारी इनकम बनेगा? बिल्डिंग रेंट पे दी कब है? बिल्डिंग रेंट पे दी इनकम बन गई, इसका जवाब नो है। बिल्डिंग रेंट पे देने से इनकम नहीं बनी, बिल्डिंग पूरा महीना प्रोवाइड करने के बाद इनकम बनी, तो किस दिन मेरी इनकम इंक्रीज होगी? आप मेरे वर्ड सही सुन रहे हैं, सर्विस इनकम मेरी किस दिन इंक्रीज हो? चलिए एक बार देखा करें, लेट्स अज्यूम मंथली रेंट का 75,000 है, 75,000 से सॉरी सर्विस इनकम की जगह नाम लिख रहा हूं रेंट इनकम, रेंट की इनकम, ये ठीक है सर, रेंट इनकम। अगर रेंट वगैरह बिल्डिंग दी है तो मेरी रेंट इनकम कब इंक्रीज हो, महीने के शुरू में ही हो जाएगी मेरी इनकम या एंड में होगी? ओके, अब फर्ज करें इसी दिन पैसे मिल जाए आपको, आइडियल तो यही है। आइडियल क्या है? जिस दिन आपने सर्विसेज दी है आपको पैसे मिल जाए, अगर हमें पैसे मिल जाए तो क्या बढ़ जाएगा साथ ही? तो कैश भी तो इनकम ही होती है, कैश इनकम नहीं कैश एसेट, तो क्या क्या साइमल्टेनियसली बढ़ जाएगा अगर जैसे ही इनकम पैसे मिल जाए, कैश और रेंट इनकम इंक्रीज हो जाए। अब लिखिए बेटा, जो मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा था कि रेंट इनकम डिक्रीज होगी या इनकम इंक्रीज होगी, काइंडली साथ साथ प्लीज रहिएगा, और अगर इससे फर्स्ट सिनेरियो में मैं जो लिख रहा हूँ कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पहले ये बता दो। अब इसी को पहले और फॉरेंगे से देखें, फिर एक सेकंड सिनेरियो बनाते हैं। फर्ज करेंगे 31st जनवरी पे रेंट इनकम
हो जाए लेकिन पैसे ना मिले, तो क्या इनकम फिर भी हो जाएगी? वो इनकम कैसे होगी? पैसे तो मिले, सर्विसेज देने से तो इनकम हो जाएगी, लेकिन अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो इनकम होने के साथ साथ रिसीवेबल भी हो जाना था, कम हो जाना था, बढ़ जाना, कम हो जाना था। आए बढ़ा के देखते हैं सेकंड सिनेरियो में। रेंट इनकम इंक्रीज ऑन 31st, लेकिन सोर्स पैसे 31st को नहीं मिले। अच्छा एक वर्ड हम यूज करें डेटर्स के लिए, डेटर एक वर्ड वर्ड है। ओके नहीं मतलब वो भी रिसीवेबल, डेटर भी रिसीवेबल है, लेकिन बेटा डेटर वर्ड अक्सर तब यूज होता है जब गुड्स के पैसे रिसीवेबल, गुड्स के अगेंस्ट सेल के अगेंस्ट अगर पैसे रिसीवेबल हो, गुड्स की सेल के अगेंस्ट, तो देन डेटर वर्ड यूज होता है। अब यहाँ डेटर की बजाय रिसीवेबल कह रहा है, रेंट रिसीवेबल। ये किस नेचर हेड बना रहा हूँ रेंट रिसीवेबल? इसका मेन हेड क्या है? ऐसे तो हर एक और डेटर भी अपनी करना शुरू हो जाना। डेटर का वर्ड बस किसके लिए रख रहे हैं? जब गुड्स बेची हो और पैसे ना मिले, गुड्स के अगेंस्ट अगर रिसीवेबल, एट द एंड ऑफ द डे वो भी रिसीवेबल ही है, ये भी रिसीवेबल है, वो गुड्स का रिसीवेबल है, ये सर्विसेज का रिसीवेबल, रेंट इनकम का रिसीवेबल, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्यों ये इंक्रीज हो? हमने सर्विसेज दे दी, हमें पैसे नहीं मिले, अब हमारा राइट टू रिसीव स्टेब्लिश हो गया, तो क्या मैं फाइनली ये भी कर सकता हूँ? सिनेरियो वन देखें, सिनेरियो वन कि पैसे मिल जाने से रिसीवेबल नहीं बढ़ा। सिनेरियो वन में रिसीवेबल बढ़ जाना था अगर पैसे ना मिलते, लेकिन क्या पैसे मिल जाने से वो रिसीवेबल बढ़ जाना था वो नहीं बढ़ा? क्लियर है सर? थोड़ी सी आवाज उठी। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? साथ साथ बड़े आपको बताते नहीं, बाद में फिर इस तरह के अजीब अजीब सवाल आते हैं कि जिन्हें पढ़ के भी मायूसी, वैसे गुनाह है, लेकिन आप भी हद ही कर देते हैं चीजें पूछ कर। ये अमीर हमजा साहब के क्वेश्चन सबके साथ शेयर करने वाला है। आई होप कि अमीर हमजा साहब भी जरूर गौर से सुनेंगे कि उन्होंने कहा क्या। बोर्ड पर देखें सारे, अमीर हमजा साहब हमारे रेंट इनकम की जगह कैश नहीं आ सकता। अगर अमीर हमजा साहब मुझे जरा 4-5 दिन अलाउ कर दें, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जरा सोच सकूं। टफ क्वेश्चन है और मैंने इसे शर्मिंदा किया मुझे पूरे मोहल्ले के सामने, और मेरे भाई अगर कैश आ गया तो रिसीवेबल किस चीज का है यार? लेकिन बहरहाल ये इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लग रहा है, उधर हफ्ता खैर, लेकिन आप जहन से निकाल, मुझे इंशाल्लाह याद रहेगा हफ्ते बाद, हफ्ता के जहन में ये पॉइंट ना आए। गिरी अगर इसी सिनेरियो में सेकंड पॉइंट में लेट्स अज्यूम पैसे जरा रिसीव करके देखें, सपोज ऑन 4th February 2021 लेट्स अज्यूम रेंट इज रिसीव, इज अराउंड 4th February सपोज 2021, सॉरी 2021 रेंट इज रिसीव, जनवरी का रेंट जो हमें 31st January को नहीं मिल सका, लेट्स अज्यूम 4 दिन बाद मिल गया, आप बताएंगे कोई इफेक्ट होंगे इसके? कहां से कैश बढ़ जाएगा और रेंट इनकम बढ़ जाएगी? इनकम कब बढ़ चुकी है? जब आपने सर्विसेज दे दी है तब पैसे मिलने से आपका कैश बढ़ जाएगा, और कैश मिलने से जो रिसीवेबल होगी थी अमाउंट वो कम होकर खत्म हो जाएगी, 75,000 से रिड्यूस हो।
any confusion? Third possibility is camera. Any confusion from the online students? I can confirm now. Okay, why you part back here? Why means the must money shortcuts are kept and these are third set. Same cost, same situation, building on rent 75,000. They can let us assume a paise end pay ya end ke baad milne ki bajaye एडवांस पे ले लिए, हमें एडवांस पे मिल गए, उसमें बस डेट्स लिखा मैक्सिमम, बाकी इसमें नजर आना। थर्टी फर्स्ट जनवरी जी सर, कंसर्ट डेट। लेट्स अज्यूम एज अ बिल्डिंग ओनर आपने पैसे अब शुरू में ले लिए, ठीक है, समझ गए, एडवांस में आपने पकड़े हैं। अब सिचुएशन थोड़ी रिवर्स करनी, हमने दिए नहीं है, हमने एडवांस में लिए हैं, बताए कैश बढ़ेगा, कैश मीन एसेट बढ़ेगा, तो जैसे ही कैश मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह रेंट इनकम हो जाएगी हमारे। ये रेंट इनकम कब हो? तो एक मिनट में थोड़ा साइड बाय साइड लिख रहा हूँ कि जरा मैं बातें सारी इकट्ठी कर सकूँ, अपना अपना बिना लिखिएगा। तो क्या रेंट इनकम अभी भी 31 जनवरी पे ही इंक्रीज हो गया? तो क्या बस फिर 31 जनवरी पे कैश पकड़ने से बस कैश ही बढ़ेगा? अब सिचुएशन क्या है, कैश ले लिया है लेकिन सर्विसेज अभी देनी है, तो क्या ये पैसे पकड़ने से अब हमारी कुछ सर्विसेज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है? बढ़ी सर, तो किस चीज की लायबिलिटी बढ़ी हमारी? मतलब बिल्डिंग की सर्विसेज देने की लायबिलिटी बढ़ी, इसलिए बड़ा बड़ा एक अच्छा सा लफ्ज है, हिम्मत की जगह थोड़ा हजम करने की, इसे कहते हैं अनअर्न्ड रेंट। अनअर्न्ड से क्या मतलब होगा? कमाया नहीं, मिल गया कमाना, कमाया एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को नाम दिया जाता है अनअर्न्ड रेंट इनकम। अगर मैं जस्ट वर्ड बोलूं रेंट इनकम, व्हाट डज इट मींस? कि मैं किसी इनकम की बात कर रहा हूँ, रेंट इनकम किसी इनकम हेड की एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वर्ड हो जाए अनअर्न्ड रेंट इनकम तो इसका मतलब क्या होता है, पैसे मिल गए हैं लेकिन अभी कमाए नहीं है। व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस हेड अनअर्न्ड इनकम? लाइब्रेरी हेड लिखा, अनअर्न्ड इनकम किस दिन बढ़ गई? पैसे पकड़ लेने से और सर्विसेज ना देने से हमारे ही पैसे फिलहाल अनअर्न्ड रेंट इनकम की एक लायबिलिटी में कन्वर्ट हो, कह सकते हैं सर, मतलब इसका यही है। लेकिन बुजुर्गों ने फरमाया, बल्कि बुजुर्गों से याद आया, इसके बड़ा हम जितनी कंपनी पढ़ रहे हैं ये कुछ अकाउंटेंट्स से पहले मिल जुलकर जिंदगी में सोच के बनाई हुई है। हाँ, ये जरूर ओपिनियन हो सकता है, कंसल्टेशन में चंद बातें सुनने के लिए बुजुर्ग बड़े इंपॉर्टेंट है, अभी सोकर मान लिया। जब भी कभी मैंने आपके साथ और आपके साथ चंद दिन बुजुर्ग हुए हैं मेरे, आपसे पुराने जो सीनियर्स हैं उनके साथ वक्त गुजारा, तो मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि जब भी कभी बुजुर्ग बात करें तो सुन लेनी चाहिए अनबायस तरीके से, बात अगर सही हो तो एक्सेप्ट कर लें और अगर सही नहीं है तो ऑब्वियसली इग्नोर कर लें। लेकिन स्टेप वन के सही हो मान लें, गलत हो तो डिपेंड ना माने, लेकिन अब ये सही मतलब हो सकता है हम ये कहना चाहते हो ये भी तो हो सकता है। मैंने कहा अनअर्न्ड इनकम, आपने कहा सर्विसेज पेबल, तो अगर तो इतराज सिर्फ ये रह जाएगी ये भी हो सकता है तो मेरा ख्याल बुजुर्गों की मानने में कोई हर्ज नहीं। अगर तो ये नहीं हो सकता तो डालना सर, लेकिन अगर ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है तो मेरा ख्याल है प्रेफरेंस
वो भी हो सकता है, ब्रैकेट में लिखना। नहीं मेरी बात क्लियर है सर? कोई लॉजिकल तो नहीं सर? ठंडे दिल से पहले क्या करें, और खास है पेरेंट्स, इन बुजुर्गों में नंबर वन पेरेंट्स, ठंडे दिल से डैडी अगर कुछ करें टेक लगा लें, सोचें। दिल माने ओके, ना माने ठीक है, लेकिन अगर ये डैडी, ये भी तो हो सकता है, तो ये मेरे ख्याल से आती है, इतना तो डैडी का बनता है। अगर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो क्या हो जाना चाहिए? वही हो जाना चाहिए। सर्विसेज पे ठीक है, कहीं मैं वापस गुजर सकता हूँ क्या? मेरी इस बात पे भी आपका जवाब ये तो नहीं कि ये भी हो सकता सर्विस वापस? डेफिनेटली सर, ये सर एक लाइब्रेरी है सर, इसका मेन नहीं, बल्कि इसका नई चीज है। तो अगर कभी आज के बाद आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनअर्न्ड इनकम, अब रेंट तो मेरे वर्ड हो गया, अनअर्न्ड सैलरी, इनकम ऑन कुछ भी हो, अनअर्न्ड इनकम किसे कहते हैं? पैसे मिल गए लेकिन कमाए नहीं, पैसे मिल गए हैं अनअर्न्ड इनकम, पैसे मिल गए, अमाउंट इज रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न्ड। देखें इसके साथ ये भी कुछ, अमाउंट इज रिसीव्ड, अब थोड़ी जरा स्पेस रखिएगा, राइट साइड पर भी जरा जगह चाहिए, मैं इसके नीचे नीचे लिख रही हूँ, अमाउंट इज रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न्ड। ये भाई ने बात की बिल्कुल, ये प्री रिसीव्ड इनकम भी। अच्छा, इस प्री रिसीव्ड पर जाने से पहले एक प्री पेड कार्ड वर्ड में यूज कर रहा था, एडवांस रेंट रजिस्टर में ढूंढने का, उसको जरा अंग्रेजी में सेंटेंस बनाया जरा, वो एडवांस रेंट ढूंढने का सैलरी के साथ, सॉरी एडवांस सैलरी थी, एडवांस सैलरी थर्ड सिनेरियो था, अभी शायद मैंने प्री पेड लिखा था वर्ड। ये प्री पेड क्या चीज होती है? अमाउंट इज पेड, लिखे जरा मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस, उसी के नीचे जरा कोशिश करें कि थोड़ी जगह बनाए, वो जो थर्ड सिनेरियो था सैलरी वाला, एडवांस सैलरी या प्रीपेड सैलरी। एक मिनट जरा, लेट मी फिनिश। अमाउंट इज पेड बट बेनिफिट इज टू बी ऑब्टेन, अमाउंट इज पेड बट बेनिफिट इज टू बी ऑब्टेन्ड। क्या हो गया है, क्या रह गया है वहां? पैसे दे दिए हैं लेकिन फायदा लेना रहता है, एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, फायदा लेना है। इधर बात क्या है, पैसे मिल गए हैं, फायदा भी देना है, सर्विसेज अभी देनी है, तो अमाउंट इज रिसीव्ड बट नॉट येट डन। ये उलट सिचुएशन है, जो दे रहा होगा सर, जो पैसे एडवांस में दे रहा होगा उसके एंड से डेफिनेटली एसेट है, उसका एसेट, उसने फायदे लेने हैं, हमने फायदे लेने हैं, तो हमारी उसकी लाइबिलिटी का नाम क्या होता है? अनअर्न्ड इनकम। अब प्लेस क्लियर सब कुछ? अमाउंट इज पेड बट नॉट येट, बट सॉरी बेनिफिट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड, पहले वाला बेनिफिट हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड या बेनिफिट इज टू बी ऑब्टेन्ड। ठीक है रहमत साहब जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन सर? फाइलिंग आई 31 पे, हमारी लाइबिलिटी बन गई थी पैसे पकड़ने से 1 जनवरी पे, 31 जनवरी पे कोई स्टोरी बोलता था, कोशिश करें जो दिल करता बोल देना, क्या 31 जनवरी पे भी ये लाइबिलिटी रह जाएगी? क्या चीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लायबिलिटी सर्विसेज देने से इनकम में कन्वर्ट हो, इनकम में 31 तारीख को क्या इनकम बन जाएगी? लेकिन क्या उसके इनकम बनने से पैसे दोबारा आएंगे? पैसे कब आ गए थे? उस वक्त वो क्या थे? लायबिलिटी। अब क्या हो जाएंगे वो? इनकम बढ़ के क्या कम हो जाएगा?
बल्कि क्या खत्म हो जाएगा, तो अन एंड एंडिंग का एक लायबिलिटी बड़ा कब तक रहती है, जब तक वो सेटल ना हो जाए। तो सेटलमेंट का एक तरीका तो पता था हमें जब हम बच्चे से थे कि पेमेंट हो रही है। समटाइम सेटलमेंट कैसे हो सकती है, सर्विसेज देने से भी सेटलमेंट। आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्लीज अब लेवल इंक्रीज होगा। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे कोई कंफ्यूजन प्लीज तीनों रिवाइज करो, तीनों सिनेरियोस क्लियर कर लो। दोबारा सोच एंड बिजली कॉमन तीनों में क्या है, इनकम कब हो रही है, हालांकि कैश का डिफरेंस है डिवाइस इंडिविजुअल। मोबाइल से करवाना या रिमोट से करो, नहीं मैंने कहा पहले यही क्लियर करना है, अगर उसी से करवाना तो वही करवा, ये कर ले यार रिमोट से कर ले यार। ये इनकम सर्विसेज होने पे होती, सर्विस देने पे होती। जब लिखने के बाद पढ़ने के बाद अगर क्लियर है तो फिर फाइनली एक दफा दोबारा 22 मार्च देख लें क्वेश्चन नंबर 3 का, और मैंने वहां क्या फाइनली बोला था आप अपने आप को सुना लेना। प्लीज अब अगर क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट नंबर 2 में फाइनली कोई इशू रह जाए तो प्लीज सही तरह वाइंड अप करें ताकि हम आगे बढ़ सके। बात मेरा सिर्फ उसमें मैंने ये की थी कि वहां हमें नहीं बताया हुआ था मार्च 22 पे क्वेश्चन नंबर 3 के पैसे एडवांस में मिले हैं, बाद में मिले हैं, हो सकता है पहले मिले हो बाद में मिले हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ तो हम सिंपली क्या ज़ूम करके बात खत्म कर देंगे कि जब मिलने थे तभी मिले। देर अपना रजिस्टर देखें, आंसर निकालें इसका, अपने जेन में लाएं क्या लिखा होगा और फिर रजिस्टर में देखें वही लिखा होगा, क्या बढ़ के क्या बढ़ रहा था। ये फाइनली बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 22 मार्च मुझसे बार बार पूछा जा रहा था, जो लोग पूछ रहे थे प्लीज अब क्लियर, तो कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। चले सर आज हम अपनी जरा डिस्कशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट टेबल सा बनाना, वो हाफ पेज से ज्यादा अगर है पेज तब यूज कीजिएगा, अगर थोड़ा सा रहेगा तो नेक्स्ट पेज बता रहेगा आपका, ठीक है थोड़ा सा खुली जगह। एक हेडिंग लिखें आज से जरा अकाउंटेंट बनने की कोशिश करें, जजाकल्ला ये मिशन, ये जज्बा चाहिए आपको। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट स्लैश बैंक, ये लास्ट लाइन के कुछ हजरात मतलब मीटिंग अगर पेंडिंग करते हैं सॉरी टू डिसेबल। हेडिंग सर होगी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये जो मैं बात करने लगा उसका थोड़ा सा कैंडी जरा बैकग्राउंड में से सुन लेता हूँ। ठीक है सर जी, मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि हम बना रहे हैं, ये ऑलरेडी बनी बनाई है। ये अप्रोक्सीमेटली मैंने सुने थे सर कि 1494 आजकल कौन सा सन चल रहा है 2021 तो तकरीबन अराउंड 6 सेंचुरी अगो, एग्जैक्टली गिनने की जरूरत नहीं, अराउंड ये कुछ इटालियन हजरात थे जिन्होंने ये अकाउंटिंग सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं आप इन्वेंट कह रहे हैं बनाई है, मतलब उससे पहले इस तरह की अकाउंटिंग नहीं थी जो इस वक्त यूज हो रही है। ओके 1494 की बात, तो जब भी कोई नई चीज स्टार्ट होती है तो उसके बनाने वाले कुछ टर्मिनोलॉजीज खुद से डेवलप करते हैं। बस फॉर एग्जांपल मेरा नाम जवाद क्यों, मेरी अम्मी अबू ने रखा, मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी मेरे दुनिया में आने से पहले, मुझे जब रब ने भेजा तो मेरा कोई नाम डिसाइड करना था जो मेरे डैडी को अम्मी को पसंद आया उन्होंने रख लिया। डेफिनेटली थर्ड पर्सन कह सकते हैं कि बाबी नहीं आप रोक नहीं सकते उसे, वो ये भी कह सकता है ये ज्यादा बेहतर था, नहीं कह सकता
लेकिन शायद इस पर बहस बनती नहीं। अब आपका भी जो नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, बात आगे बढ़नी चाहिए। हम पिछले तीन तीन चार दिनों से कुछ इंक्रीज डिक्रीज की बातें कर रहे हैं, कैश बढ़ रहा है, कैश कम हो रहा है, लाइब्रेरी बढ़ रही, कम हो रही। 5 महीने अकाउंटिंग हेड्स रख करवा दें, हो गया भाइयों ने कर। तो अब जिन्होंने अकाउंटिंग बनाई थी, जिन्होंने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी, जिन हजरात ने, उन्होंने ये डिसाइड किया कि सब अकाउंटेंट्स इंक्रीज डिक्रीज के लिए डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज किया करें, और उन्होंने फिर इसका एक रूल डिसाइड कर दिया। हो सकता है हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं, ये रूल ये वाला ज्यादा बेहतर था, तो वो आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक आप ये रूल बदलने की पोजीशन में नहीं आएंगे, आपने कंडी यही वाला याद करना। उन हजरात ने रूल क्या बनाया, ये मुझे जरा एक मिनट जरा एक्सप्लेन कर लेना। हमारे यहाँ 5 मेन हेड्स है, उनका कुछ सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है, 5 है, लेकिन अगर वो तरतीब में ऊपर नीचे हो रहे हैं दैट इज नॉट अ बिग इशू। 5 पूरे करने लगा हूं मैं, लेट्स अस्यूम सबसे पहले मैंने कौन सा लिखा, एसेट से कटा, आगे एक्सपेंसेस होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, इनकम्स होती हैं, और कैपिटल होता है, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल। अब क्या इनमें इंक्रीज आ सकता है? सॉरी, इंक्रीज आ सकता है, इनमें डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज पॉसिबल है। ये इन हेड्स में इंक्रीज भी आ सकता है, डिक्रीज भी आ सकता है। तो जो रूल डिफाइन हुआ डेबिट एंड क्रेडिट का, वो ये है कि जब भी कभी एसेट्स और एक्सपेंसेस में इंक्रीज आता है तो बोला जाता है, अकाउंटेंट्स बोलते हैं। अब देखिए, ये जो इंग्लिश वर्ड है ये भी इंग्लिश का वर्ड है, पक्की बात है। इंक्रीज का मीनिंग क्या है, ये कैसे पता चला? डिक्रीज का मतलब बढ़ना क्यों नहीं है, क्योंकि डिक्रीज का मतलब भी कम होता है। ये हम इतना यूज टू हो गए इन बातों से कि डिक्रीज, वैसे बात लॉजिकल है, डिक्रीज होता ही कम के लिए, होता ही डाउन के लिए। ये किसने कहा है डिक्रीज का लफ्ज जो है डाउन के लिए हुआ करेगा? नहीं, लॉजिकल बात है कि डिक्रीज जो है वो होता ही कमी के लिए। नहीं सर, ऐसी कोई बात, ये अल्फाबेट जरा दो चार जहन बनाया, जरा एबीसी याद है किसी को? ए को ए क्यों कहते हैं? ये सवाल ही गलत है, क्योंकि वो है ही ए नहीं, ये बात नहीं है, हम यूज टू हो गए। तो इंशाल्लाह थोड़े से बाद आप हो जाएंगे, ये पहली दफा। तो जिन हजरात ने ये काउंटिंग की लैंग्वेज बनाई है, उन्होंने कहा है कि हम इस तरह बोला करेंगे, और उसको सब ने एक्सेप्ट कर लिया हुआ, और उन सब में आज से कौन शामिल होने लगा? आप नौजवान शामिल। नहीं, मैं चला जाता हूँ सर, अगर मैं चला भी गया तो ये सीए करने का मिशन किसका है? आप नहीं जा सकते, आप आई कैप के हो चुके हैं, एंड वाइस वर्सा। जी सर, पाकिस्तानी कंट्री। ये मैं बार 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 इसलिए कह रहा हूँ, असल में ये जब रूल्स हैं तो उसकी मैं कोई ऐसे में से लॉजिक अगर आप पूछेंगे तो फिर मैं भी शुरू होता हूँ कि पहले ए की वजह बताएं, ए को ए क्यों कहते हैं। तो ये बहस इस वक्त नहीं, दिस इज द ओनली थिंग इन अकाउंटिंग शायद जो हमें याद करनी है। इसके अलावा शायद एवरी थिंग इज, जिस मैं पिछले दिनों में लगा हूँ, अगले दिनों में लगा हूँ, आप मुझे बताएंगे तो मैं अकाउंटिंग करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एवरी थिंग इज लॉजिकल, लेकिन चीज़ों के नाम रखे जाते हैं उनमें एज सच लॉजिक वाली बात है। एक आखिरी एग्जाम्पल इसलिए हो जाता है ताकि ये बात आपके जहन से हमेशा निकल जाए। हम कभी अगर बाइक पे जा रहे हैं तो रेड लाइट पे क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि रेड लाइट होती खड़े होने के लिए नहीं, हम यूज टू हो गए। मैं ग्रीन पे खड़ा हुआ करूंगा, अगर आप सोच भी लेंगे तो पीछे वाले नहीं खड़े होने देंगे, तो ये नहीं, रूल फॉलो किया जाता है। तो जिन हजरात ने अकाउंटिंग में, उन्होंने क्या कहा कि एसेट्स और एक्सपेंसेस में जब डिक्रीज आएगा तो हम सब अकाउंटेंट बोल रहेंगे
एक डेबिट होगा। मसलन आज के बाद अगर मैं आपके सामने कभी कहूं कि कैश डेबिट हो रहा है, तो हमारे जहन में क्या आएगा कि कैश भरा है। तो यकीन है ना, हमारे जहन में वो सब एरोज होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अब हमारी जुबान पे उन एरोज की जगह इंक्रीज डिक्रीज की जगह डेबिट और क्रेडिट वर्ड्स रिप्लेस हो रहे हैं। और एक डिक्रीज अगर ये हो जाएंगे तो क्रेडिट हो। और ये जो रूल है एसेट्स एक्सपेंसेस के लिए, ये ऑपोजिट है फॉर लास्ट थ्री थिंग्स, इसलिए मैंने जरा इनकी लिस्ट भी स्थिति सुनाई। ऑपोजिट मीन्स लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल में अगर इंक्रीज आएगा तो क्रेडिट वर्ड यूज होता है, और डिक्रीज आएगा ठीक है। अब जो जो लिखेंगे, अगर बोल बोल के लिखेंगे मुझे आवाज आनी चाहिए, जो जो लिखेंगे उसकी आवाज आनी चाहिए। बात कर रहे हैं 26 पे फिल चल रहा है, भाई का सारा ध्यान अभी भी टेम्परेचर पे। बंद कर थोड़े टाइम से, बात नहीं बंद कर। ये आवाज आनी चाहिए यार, आवाजें किधर गई मेरे भाई को? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही, बोल नहीं रही। अगर बोलेंगे तो इंशाल्लाह इन्हें खुद भी नहीं आ रही। आ सकती है सर, आप हिम्मत करें, अल्लाह मालिक इंशाल्लाह आवाजें पहुंचेंगी, आपके जज्बात पहुंच सकते हैं। ये जब नोट कर लेंगे तो पहली तरफ भी बता वही लिखेंगे जो मैंने लिखा है, बड़ी मुश्किल से मैंने सोच के लिखा है। अपनी मर्जी से ना रूल बना लीजिएगा, अभी रहने थे, अगर सही नहीं लग रहा तो ओके, बड़े हो जाइएगा आप चेंज कर दीजिएगा, मैं बुक आपके बिहाफ पे अमेंड कर दूंगा, लेकिन जब तक आप इस पोजीशन में नहीं आएंगे काइंडली। जी डियर, ये टेबल अब हमने आज पहले कोशिश करनी है कि जरा हमें याद हो जाए, लेकिन इसको बड़ा याद करने का बड़ा आसान सा तरीका सुने में से। आपके सामने ये टेबल हो जो आपने बनाया, और आपको भी और किसी चीज की जरूरत नहीं। हमने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में 4 क्वेश्चन अटेंड किए, उन क्वेश्चन को करते हुए हमने एक लास्ट कॉलम छोड़ा था। ठहरे ठहरे सर, टेबल सामने रखें एक मिनट। आप बोर्ड पे देखें, टेबल सामने है, रजिस्टर पे टेबल जब बनाया, एंड प्लीज टेबल, इस टेबल को कांडी हमें कोशिश करनी है कि विद नेक्स्ट 5-6 मिनट्स सही तरह याद कर लिया जाए। कैसे? हमने अपने काउंटिंग हेड्स लिखे हैं और उनके सामने इंक्रीज डिक्रीज के एरोज लगाए। वी आर जस्ट सपोज टू कि ये टेबल पढ़ के इन एरोज के सामने इनको डेबिट क्रेडिट फॉर्म में एक्सप्लेन किया। बल्कि एक चीज सॉरी, मैं और बता दूं, आप टेबल आपके सामने, आप उसी टेबल जो आपने बना ली उसके नीचे एक और चीज भी लिखें। ये जो दो वर्ड्स हैं, एक है डेबिट और एक है वर्ड क्रेडिट, ये भी असल में इटालियन वर्ड्स है, डेब्रे और सब्रे इस तरह के वर्ड्स के शॉर्ट बने हुए, तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना आपने। इन्हीं वर्ड्स के लिए कुछ लिखते हुए एब्रीविएशन यूज कर जाती है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ईआर डजंट मींस डॉक्टर एंड सीआर डजंट मींस क्लास रिप्रेजेंटेटिव। डीआर मींस डॉट डेबिट, सीआर डॉट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट की एब्रीविएशन। अब इस चक्कर में भी नहीं पड़ जाना कि डेबिट में तो आर है ही नहीं, डॉट भी नहीं है,
रूल डिफाइन होते हैं और बच्चे सपोज होते हैं कि इनको फॉलो करेंगे। एक बार हो गए, अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर वन बोर्ड पे। कैश भंडार, अब सबकी वाजे आनी चाहिए कि क्या लिखते हैं हम, बेटा सिर्फ एब्रीविएशन लिखते हैं। और अगर कोई भाई गलत कह रहा होगा तो उसको कुछ नहीं कहना, आपने वो कहना है जो कहना है, भाई का अल्लाह वाले वो भी ठीक करते हैं। मैं भी लिखा कैश क्यों डेबिट सर, बढ़ रहा है कैपिटल, बढ़ रहा है क्रेडिट, दो तीन करवा दे बाकी सारा आपने करना, दो तीन करवा दो। बैंक क्या चीज है, बढ़ रहा है डेबिट, लोन फॉर इंजमाम लायबिलिटी है, बढ़ रही है, टेबल तो नजर ही नहीं आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मशीनरी बढ़ रही है, एसेट है डेबिट, कैश एसेट है कम हो रहा है क्रेडिट, तीन देख के लिखे। अरे वापिस सबके पास स्पेस है छोड़ी आप, तीन देख के लिखे, बाकी क्वेश्चन नंबर थ्री वाइंड अप है। कंप्लीट साइलेंस, सब लोग इंडिविजुअल, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। फर्स्ट थ्री बोर्ड पे देख रहे हैं आप, दोबारा टेबल वाली एक पेज पे उंगली रख रहे हैं, जरूरत पड़नी है आपको बार बार आते जाते रहे, विद इन नेक्स्ट 5-6 मिनट ये टेबल अब याद कर लेना। अब तो फ्रेश हो गया पानी पी के, डेबिट क्रेडिट शुरू कर। सिर्फ अपने आप से बातें अलाउड है। क्वेश्चन नंबर थ्री कंप्लीट कर, एक मिनट बाकी, क्वेश्चन फोर में से शुरू कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री पूरा कर लीजिए, पहले मैसेज चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर वन, सॉरी सर, क्वेश्चन नंबर वन 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 पूरा कर लें, फिर मैं सर पहले देख लें, फिर पूछ लूंगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स से मुझे काइंडली बताते रहना जैसे जैसे उनका हो जाए। ये रेहान साहब अगर ऐसे ही रट्टा लगाना होता तो मैं बता देता, जस्ट अ मिनट। जिस पेज पे आपने टेबल बनाया उस पेज पे उंगली बनती है, जरूरत पड़े जरूर टेबल देखें। क्योंकि आपके हो सकता है काउंटिंग हेड्स मेरे सुपर नीचे हो, उसका कोई इशू नहीं है, देयरफॉर उनके डेबिट क्रेडिट मेरे से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जिसके आगे डेबिट है और जिसके आगे क्रेडिट है वो मेरे से मैच हो, ऊपर नीचे का कोई इशू। ओनर के हिसाब से कभी नहीं देखेंगे, हमेशा बिजनेस के हिसाब से देखेंगे। अगर डिस्टर्बेंस खत्म हो सके तो सिक्स सितंबर से ऑनवर्ड देखना शुरू करें जी। बेटा एक मिनट पहले ये पहले देखना, कोई गलती हो गई है तो पहले ये ठीक है। सर जी जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर वन पहले चेक कर, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट क्रेडिट शेपास करें। मेरे सासद होता है 6 सितंबर, ओके, और सासद मेरे रहना, तो ये अगर आगे पीछे चला गया छोड़े मैं साथ हो। कैश और बैंक दोनों एसेट, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट,
हो सकता है आपने लिखा हो बैंक क्रेडिट, यस यस, और कैश डेबिट, वो ठीक है, हेड्स ऊपर नीचे अगर है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट उनके सामने वही होगा जो मैं लिखा हूँ, उसमें कोई गलती नहीं हो रही। लोन फ्रॉम इंजमाम लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट बैंक एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट कैश कम हो रहा है, क्रेडिट और क्रेडिटर शहबाज लाइबिलिटी कम हो रही है, लोन फ्रॉम इंजमाम लाइबिलिटी कम हो रही है, डेबिट कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट फाइनली ऑफिस मशीनरी इंक्रीज, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट क्रेडिटर समीर बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट मिस सबका ठीक है, शुरू करिए सर मैडम। बेटा साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस प्लीज, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। बेटा अभी आते ही कर रहे हैं यार आप लोग, सर जी दोनों भाइयों को उठाया, उठ जाए उठ जाए उठ जाए उठ जाए सर जी, जुदाई है, एक उधर आके आ गया, एक उधर आके उठ जाओ उठ जाए आपके पास, आप ही उधर 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 आप उधर चले जाओ, आप कोशिश करें यार, तो ज्यादा लग रहा है, सोचे सोचे जस्ट एक मिनट वेट करें, तो सब कर रहे हैं आप, चेक करके दे रही है भाई निकले, भाई फंसा नहीं, हो जाएगा, फंस गया तो नहीं आज, अगर कभी बीच कोई छुट्टी हो जाए तो पहली बात तो मैं रसिन भी कहता हूँ
नहीं कर सकते, लेकिन अगर हो जाए तो आप कवर किए बगैर क्लास में अगर अगली आएंगे तो यूजलेस है। आप सब लोगों के पास रिकॉर्डेड फैसिलिटी ऑप्शन अवेलेबल है, किस दिन क्लास रह जाए तो अपना लेक्चर कवर करके आया करें। जिस एनी क्वेश्चन नंबर टू जब कर लेंगे तो बताना, कौन कौन कर रहे थे बता दें, कंप्लीट करें जी बिना एक दो कर लिया खामोशी से प्लीज। हाँ जी सर दोनों आप खाली हैं, दबा के रखें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से अगर कोई रह गया तो W लिख दे मुझे। अपनी तरफ से कर ले, डेफिनेटली कोई मिस्टेक हो जाए तो उससे डर डरा गया। ये कैंडिडेट ने अभी मुझे कहा था कि हम कर रहे हैं, मुझे बताना जब हो जाए, क्वेश्चन नंबर टू जब हो जाए तो बताना प्लीज। जो हजरात अभी हाथ उठा दो, चलिए क्वेश्चन नंबर टू खामोशी से सुनने, बस लेट स्टार्ट। अच्छा मेरे से ना पूरी एक्सप्लेनेशन भी सुनो। बैंक एसेट है, इंक्रीज होने की वजह से डेबिट, कैपिटल कैपिटल ही है, इंक्रीज होने की वजह से क्रेडिट। परचेजेस जब आप गुड्स खरीदी है तो एसेट ही है, सही है मेरे पास, इंक्रीज होने की वजह से डेबिट। क्रेडिटर सलमान एक लाइबिलिटी की एग्जांपल है, पेबल टू सलमान, और लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से क्रेडिटर। क्रेडिटर मींस लाइबिलिटी, नहीं नहीं लाइबिलिटी लाइबिलिटी और बढ़ने की वजह से क्रेडिट। नेक्स्ट वन सिंगल रिपीट है, डेबिट क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिटर्स दोनों में इंक्रीज। कैश एसेट है, बढ़ने की वजह से डेबिट है, सेल इनकम बढ़ने की वजह से क्रेडिट। डन। सेवंथ और नाइन्थ, सेवंथ जो है ये खासतौर पर गौर से देखें, क्रेडिटर सलमान लाइबिलिटी है, डिक्रीज होने की वजह से डेबिट है, परचेजेस एसेट है, बोर्ड्स है एसेट है, कम होने की वजह से क्रेडिट। परचेजेस इंक्रीज होने की वजह से डेबिट, और क्रेडिटर हसीब लाइबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से क्रेडिट। मेजोरिटी का ठीक जा रहा, किसी का गलत हुआ मैं वैसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे आइडिया हो कि गलतियां भी हो रही हैं, सब अभी जैसा तो हो जाता है, लेकिन नौ सर वाले भी कौन नहीं। अब ठीक हो गए, समझ आओ समझ। अच्छा ये भी देखें जरा, अगर कहीं आपकी मिस्टेक है तो टेबल दोबारा देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टेक हुई है तो टेबल दोबारा देख के मुझे बताएं, मेरा तो नहीं गलत, अंधाधुंध भी नहीं लिखना, टेबल आपने बना लिया तो प्लीज रीचेक करें ताकि पता चले आपने वाकई गलत किया। ठीक है समझ आ गया, तो कहीं प्लीज अगर गलत हो तो उससे टेबल में दोबारा कंपेयर कीजिएगा। डेटर रिसीव एसेट, डेटर मींस रिसीवेबल, तो इंक्रीज होने की वजह से डेटर इंक्रीज होने की वजह से डेबिट है, सेल इनकम और इनकम बढ़ने की वजह से करेगा। इलेवेंथ अक्टूबर कोई कंफ्यूजन, 13 अक्टूबर में कैश एसेट है, देयरफॉर भरने की वजह से डेबिट है, और सेल इनकम है भरने की वजह से क्रेडिट। बैंक एसेट है, भर रहा है, कैश भी एसेट है लेकिन कम होने की वजह से क्रेडिट। मशीनरी एसेट है, डेबिट हो रही है बढ़ने की वजह से, और बैंक एसेट है कम होने की वजह से क्रेडिट। सेल इनकम है बढ़ने की वजह से क्रेडिट है, डेट मनी एसेट है बढ़ने की वजह से डेबिट। बाकी बेटा ठीक है आपका, बाकी तो नहीं ये बाकी कई हालात का मसला, मैं जैसे ही नीचे देखूंगा आपने तैयार रहना है, साथ वाले से बात बनती है।
अक्टूबर सेल, अभी वाला इंपॉर्टेंट है, सेल डिक्रीज है, विच मीन्स इनकम कम हो गई, डेबिटर डेटर वसीम एसेट है, एसेट कम होने की वजह से क्रेडिट, ये सबका ठीक है। सेल इनकम कम हो रही है और डेटर रिसीवेबल कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। सिमिलरली 27 सेम होगा, सेल डिक्रीज है डेबिट और डेटर एसेट डिक्रीज है क्रेडिट। ये 29 अक्टूबर भी रिपोर्ट देखिएगा, क्रेडिटर रसीब है लाइबिलिटी का नाम है, लाइबिलिटी कम होगी तो सॉरी सॉरी डेबिट होगी और परचेजेस कम होने की वजह से गुड्स है क्रेडिट। लास्ट वन सॉरी सेकंड लास्ट, क्रेडिटर सलमान कम होने का मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है डेबिट और बैंक एसेट है कम होने की वजह से क्रेडिट। एनी कंफ्यूजन? लास्ट वन, मशीनरी इंक्रीज होने की वजह से डेबिट है एसेट है और क्रेडिटर लुकमान इन लाइबिलिटी बढ़ने की वजह से क्रेडिट। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें, अक्टूबर 11 में आप लोग शुरू करें क्वेश्चन नंबर 3 का क्लियर। अक्टूबर 11 बेटा डेटर वसीम एसेट है, बढ़ने की वजह से डेबिट है और सेल इनकम है, इनकम बढ़ने की वजह से क्रेडिट। ठीक है प्लीज, ये 11th हो गया फाइनल, पहले दिन के क्वेश्चंस के आंसर्स होते रहे प्लीज बच्चे बता दीजिएगा। 11th अक्टूबर में अगर इशू था रिजॉल्व्ड, 21 से खामोशी और क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल करें। यार थक जाओगे यार, जाओगे 25 की आदत होती है तो साथ में खास अकाउंट बैठा तो वो बताएंगे तो हम लिखेंगे क्या खुदा ना खासा हम डॉक्टर बन गए वो कॉन्फिडेंट बन गए, वो सोचने से हम घबरा रहे हैं। ड्रॉइंग समझ ना आए तो छोड़ दीजिएगा, मैं समझाता हूँ बाकी करें जी। ठीक है, वैसे तो मेरा ख्याल है कि आप इंडिविजुअली सोच सकते हैं लेकिन आइडियल तो ये कि कुछ ना कुछ सोच के करें, गलत हो जाएगा तो देख लेंगे लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो खैर, बेहतर यही है कि कोशिश करें।
अगर यही बात होती तो मैं बताता, हो रही ऐसे। अभी रटाना लगाए, अभी टेबल देखे ये बेटा, अगर ये जरूरी होता है मैं खुद बताता, इस वक्त हो रहा है लेकिन अगर ये जरूरी होगा तो मैं खुद बताऊंगा। इस तरह चीजें मत कंफ्यूज करें अपने आप को, फिलहाल टेबल अप्लाई करें। आप लॉजिकली चलें, इस तरह कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। ये सर हो गया क्वेश्चन नंबर 3, जो लोग करेंगे ना बता दें करें कर। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी कर ली, वाइंड अप करें। ये बड़ा ठीक है, अगर सारे हो गए तो ठीक है, लेकिन काइंडली मैं सर एक दफा मैच शुरू कर दीजिए। ये बड़ा जो लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे भाई ना, कहाँ तक पहुंचे ये भाई, कहाँ तक पहुंचे, कौन से पॉइंट तक पहुंचे? अगर लास्ट है तो कर। ये बड़ा ड्राइंग्स अभी मैं डिस्कस करता हूँ। इस तरह करते हैं जरा इंडिविजुअली कुछ लोगों की तरह अगर हो सके। ये लास्ट टाइम के मेरे हजरात भाई हजरात सबसे लास्ट आप ही, ये पहला बैंक के सामने क्या लिखूं और कैपिटल के सामने, बाकी सब खामोश। सबसे आखिरी भाई बैंक इंक्रीज मीन्स, अरे बैठ के बहुत ऊंची बोलो, बैंक इंक्रीज हो रहा क्या लिखो उसके सामने, डेट है, डेबिट है, कैपिटल इंक्रीज, क्रेडिट। ये इस तरफ लास्ट भाई सेकंड, परचेज बेटा इंक्रीज, डेबिट। परेशान ना हो, मैं वैसे पिछले पूछ रहा हूँ, मुझे आइडिया वगैरह समझ आ रहा है। क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज मींस लिखा नहीं हो, देख के देखो जो लिखा है, देख के बताना आप जान दे। टेबल की तरफ जल्दी जल्दी टेबल ढूंढो, टेबल में देख के बताएं, बल्कि इस तरह क्रेडिटर्स जो है बताएं, इसका मेन हेड कौन सा, ये किस हेड से रिलेटेड अकाउंटिंग हेड है, क्रेडिटर्स है क्या चीज, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी बड़ा इंक्रीज होगी, तो टेबल में क्या नजर आता है, क्रेडिट। ठीक है, ये आप नहीं वो लास्ट, आप जो दीवार के साथ नहीं दरमियान में जो समझ रहे हैं आप ही है, जिन्होंने हाथ उठाए थर्ड सॉरी फोर्थ मार्च फिक्स्ड इंक्रीज एंड बैंक इंक्रीज। आपसे बेटा पूछ रहा हूँ, इधर उधर देखो, आपसे पूछ रहा हूँ और नहीं आपसे नहीं यार, हाँ जी फिक्स्ड डेबिट बैंक क्रेडिट, जिस तरह से भी साहब क्लासेस में कैश इंक्रीज, एक आपके साथ भी भाई बैठे ब्लैक, परचेजेस इंक्रीज, डेबिट क्रेडिटर वाहिद, लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। जी सर 14th मार्च स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट, ये आपके साथ जो 17th
परचेजेस क्रेडिट, ठीक है सबका ठीक है यात्रा जी। 22 मार्च वो बन जाएगा क्रेडिट और बैंक इंक्रीज, ये ठीक है जी सबका। बेटा फिक्सर एसेट है क्या हो गया, इस तरह की बातें प्लीज आप लोग लेक्चर्स जब आपका दिल करता है इस तरह ना करें, प्लीज इस तरह ना करें, इट इज जस्ट वेस्ट टाइम वेस्टिंग। प्लीज जो बातें खत्म हो जाए उस पर प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। बहुत अरसा पहली बात है फिक्स्ड एसेट सेल इंक्रीज क्रेडिट डेटर एसेट इंक्रीज जी सर 27 मार्च वॉटरमैन डेबिट बैंक क्रेडिट जी सर 31 मार्च वेजेस डेबिट क्यों एक्सपेंसर भाड़ा डेबिट कैश क्रेडिट। अगर मैं कभी आपसे कहूँ वेजेस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो आप समझा क्या करेंगे, वेजेस बढ़ रही है रैंडमली जरा दो तीन हो जाए मित्र देखें। अगर आपसे कहा जाए लाइबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, कम का मतलब अकाउंटिंग का मतलब डेबिट। अगर मैं कहूँ लाइबिलिटी क्रेडिट बढ़ रही है लाइबिलिटी क्रेडिट होकर बढ़ रही है, इनकम डेबिट का मतलब क्या है, एसेट क्रेडिट का मतलब क्या है कम हो रहा है, एसेट क्रेडिट मीन्स कम हो, एक्सपेंसेस क्रेडिट का मतलब। अब आ जाइए 31 पे शायद आपको इशू आया, सुने मेरे से सुने अच्छी बात नहीं है। कैश क्या चीज है, तो ये तो कम हो रहा है क्रेडिट। अब बेटा ड्राइंग्स को कैसे सोचना है, तो अपना टेबल निकालो नहीं, एक खतरनाक सवाल मैं ही कर दूं कहीं मेरे से ना आ रही, ये टेबल देख के बताए ड्राइंग्स तो इसमें किसी हेड में भी नहीं है, ड्राइंग्स किस मेन हेड से लिंक है, एक्सपेंस से लिंक नहीं, एक्सपेंसेस से लिंक नहीं, ड्राइंग्स वो अमाउंट्स है जो ऑनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लेता है, इसका लिंक कैपिटल से। आप बोर्ड पे देखें ड्राइंग्स बढ़ रही तो वहां तो लिखा हुआ है कैपिटल क्रेडिट होगा बढ़ रहा, लेकिन गौर से सुनिए अगर रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया रुक गया, इसका मतलब हमेशा इनडायरेक्टली लिंक है कैपिटल से। कुछ देर से पहले बात हुई ड्रॉइंग्स बढ़ रही है, इसके बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि ड्रॉइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम होगा इसलिए ड्रॉइंग्स का बढ़ना डेबिट कहलाएगा, ड्रॉइंग्स का बढ़ना कैपिटल को कम कर देगा देयरफॉर ड्रॉइंग्स के बढ़ने को हम डेबिट कहेंगे। एक सेंटेंस लिख रहा इंक्रीज इन ड्रॉइंग जगह बन जाएगी राइट लेफ्ट साइड पर छोटे थोड़ा थोड़ा करके लिखा बल्कि पैसे लेगा, एक बार बोर्ड को देखें जहाँ ये डेबिट लिख रहे हैं ड्रॉइंग्स के सामने इंक्रीज के सामने उसी को एक आरो बना के ऊपर कहीं नीचे या ले जाए जहाँ जगह बना सकते हैं, ऊपर पेज के ऊपर खाली जगह होती है लाइन के ऊपर इंक्रीज ड्रॉइंग्स विल रिजल्ट इनटू डिक्रीज इन डिक्रीज इन कैपिटल देयरफॉर कॉल्ड एज डेबिट देयरफॉर डेबिट ड्रॉइंग्स का इंक्रीज इसलिए डेबिट है क्योंकि उसके रिजल्ट में कैपिटल ने कम बेटा कैश क्या चीज है, एसेट तो एसेट कम हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, ड्रॉइंग्स का इंपैक्ट किस चीज पे है कैपिटल पे, तो क्योंकि ड्रॉइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम होगा देयरफॉर कैपिटल कम होने की वजह से देयरफॉर डेबिट। डन सर, मैं अगर कभी बोलूं ड्रॉइंग्स डेबिट तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि कैपिटल कम हो रहा है, drawings debit means capital decrease, nothing else. Done, sir? The last one,
रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर फोर मैडम, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कुछ अपील। क्वेश्चन नंबर थ्री तक कोई कंफ्यूजन? चले फोर कर खत्म करें। ये वैसे रहती है आवाज की, बिल्कुल नहीं समझ आ रही है, बहुत गलत एटीट्यूड है, अच्छा भी नहीं लग रहा बार बार एक ही बात को रिपीट करते हुए और एक दूसरे को इधर उधर उठाते हुए भी, लेकिन आप जाती कर रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। कंप्लीट साइलेंस, सिर्फ अपने तक अपनी बात को महदूद रखें, बाकी को अपनी तरफ अपने अपने एंगल सोचने की सोचने दे रहे। अपने कल वाला लेक्चर सुनना जरा, कल वाला लेक्चर याद से दोबारा सुनना। चले सर जी, कहीं सुने रहे हैं,
अच्छा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं है, तो मैं हेड्स भी बोलूंगा और क्या डेबिट कैट भी बोलूंगा, तो रिक्वेस्ट कैंडी रादर देन के मैं लिखूं इंडिविजुअल का टिक लगा लूंगा, मैं हेड्स भी बोलता हूं और आगे डेबिट कैट बोल रहा हूं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट रो, इवन अगर कोई फॉर एग्जांपल एक आध रह गया तो प्लीज बाद में कर लीजिएगा, मैं साथ जरा फर्स्ट से शुरू करूँ। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, यस सर गलती से ठीक हो, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर अहमद क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, डेटर इलाही डेबिट सेल्स क्रेडिट, स्टेशनरी डेबिट बैंक क्रेडिट, ये ठीक है बेटा ऑनलाइन सुन लो। कैश डेबिट सेल क्रेडिट, क्रेडिटर अहमद डेबिट परचेजेस क्रेडिट, डेटर मसूर डेबिट सेल क्रेडिट। एक जरा आप लोगों की तरफ से बताए भाई, मैं रूम शर्ट नहीं पड़ जाती रूम शर्ट 2011 21st पर डेटर इलाही क्रेडिट, ठीक है सेल्स डेबिट आपने बताया किसी और द्वारा, फिर आप बता ही दें अगला आप बता दें जी। बैंक क्रेडिट क्रेडिटर अहमद डेबिट, ओके जी प्लीज 26 है, लेट मी रिपीट 21st सेल डेबिट डेटर इलाही क्रेडिट और 26th क्रेडिटर अहमद डेबिट बैंक क्रेडिट। ये बेटा कुछ हजरात पूछ रहे थे 21st 26, ओके प्लीज ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से पूछो, ये तो शाम साहब है जी। डी कैश परचेज में आपने लिखा होगा परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, व्हीकल डेबिट बैंक क्रेडिट, मोटर एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, फिक्स्चर्स की एग्जांपल्स बता दें कुछ है जी, ट्यूबलाइट फैंस एसी इकट्ठा करके अगर बोलना हो, एक टेबल चाहिए तो फर्नीचर ही है, ये जो बाकी चीजें कमरे पे लगी हुई ट्यूबलाइट्स वगैरह एसेट है, एसेट फिक्स्चर डेबिट क्रेडिटर उसामा क्रेडिट डन सर, एंड फाइनली रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, सबका ओके है, एक नया पेज निकालो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वाला पेज पास रख लें दोबारा, क्वेश्चन वाला पेज चार पेज सवाल फिर उसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी। जी अली रमजान साहब ने बिल्कुल सही बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह बनता है और साथ ही नया पेज खोल के बिस्मिल्लाह बनता है, जो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और ज्यादा जो करने लगे हैं उस पर हमारी मदद करवाना जजाकल्ला अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अभी हमारा लेना इल्ल बलाउल मुबीन एंड इन इंशाल्लाह होगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 सामने आ गया, करना हमने ये है कि अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया तो हमने अकाउंटिंग हेड्स आइडेंटिफाई किए, इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम बनाया और उसके सामने फिर टेबल देख के डेबिट क्रेडिट लिखी। अब हम आज पहली दफा सही तरह से अकाउंटेंट बनने लगे हैं, दैट इज अकाउंटेंट क्या करता है, जब भी कभी कोई ट्रांजेक्शन हो जाए तो उसको वो कैसे रिकॉर्ड करता है, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। मतलब इस बात का बिल्कुल सिंपल है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो जाए तो अकाउंटेंट एक रजिस्टर बनाता है जर्नल के नाम से,
पर्सनल फॉर एग्जांपल आपके हाथ में रजिस्टर है, एक मिनट रजिस्टर पे रहिए, रजिस्टर प्लीज है वैसे मेरा अखबार है। पर्सनल फॉर एग्जांपल एक फाइल रजिस्टर अकाउंटेंट सामने खरीद लिया, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही और अकाउंटेंट साहब ने उनको रिकॉर्ड करने के लिए रजिस्टर खरीद लिया, इस रजिस्टर के बाहर अकाउंटेंट साहब क्या लिख लेंगे, जन्म नगर। इसमें पेजेस है, इन पेजेस पे वो इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे, मतलब विजुलाइज और रजिस्टर, और इस रजिस्टर के हर समय पे एक मिनट 10 मिनट फॉर्मेट इस तरह से बन जाएगा कि एक डेट का कॉलम होगा, फिर अकाउंटिंग हेड्स का कॉलम होगा, ट्रेडेंट रखी। अभी थोड़ी देर पहले हमने, सॉरी थोड़ी देर पहले नहीं, कल परसों हमने इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम बनाया, वो इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम जहन में होगा और पेज पे एक डेबिट अमाउंट के लिए कॉलम होगा एक क्रेडिट। हम अब कोई नई चीज नहीं करने लगे, हमने जो समझा है उसको प्रॉपर फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर लगे, मतलब फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर प्लीज वही पेज फर्स्ट पर्सन पॉइंट वन, दो तीन मुझे लिख लेने दे, मेरा ध्यान है कि आप कोशिश करने की ख्वाहिश शुरू रखेंगे। सेप्टेंबर फर्स्ट डेट, आई इस ट्रांजेक्शन को दोबारा एक अकाउंटेंट बन के हेड जहन में आइडेंटिफाई करके एरोज दोबारा लगा जहन में, कौन कौन से हेड्स यहां से आइडेंटिफाई होते महसूस हो, कैश में इंक्रीज आएगा और कैपिटल में भी इंक्रीज, ये हमारे जहन ने हमें बता दिया, कितने कितने रुपए से इंक्रीज आएगा, एक एक मिलियन रुपीज से। यहां तक जब हम पहुंच गए तो हम जैसे अपने इस फॉर्मेट में कैसे है, आप रुक जाए आपके लिए लिख रहा हूँ, ये मना ग्रीन क्या ये लाइनें लगाना इतना जरूरी है, मेरी किसी बात से आपको महसूस हुआ हो कि आपने अपने स्केल उठाना है और लाइन जरा सी टेढ़ी हुई तो काउंटिंग गलत हो जाएगी। डेट हमें नजर आई सितंबर 1, पेज फोल्ड था, लाइन लगी हुई, दो हेड्स आइडेंटिफाई हुए, कौन कौन सा। अच्छा बेटा, मैं अभी तक हम लिख रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि हेड ऊपर नहीं लगा खैर, लेकिन अकाउंटेंट जब लिखता है फिगर्स, हेड्स लिखता है, तो उसका तरीका ये है कि हमेशा पहले डेबिट हेड लिखा जाता है और फिर नेक्स्ट लाइन में क्रेडिट हेड लिखा, तब हम हेड्स जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसे फिर अरेंज करेंगे अपने जहन में, और अरेंजमेंट किस एंगल से करेंगे, डेबिट जिस हेड में होना है वो पहले और जिस हेड में क्रेडिट होना वो बाद। तो कैश और कैपिटल आइडेंटिफाई हुआ, मैं कैश को पहले क्यों लिख रहा हूं और नेक्स्ट लाइन में कैपिटल, थोड़ी सी स्पेस आप महसूस करेंगे कि शायद कैश से आगे लिख रहा हूं, तो आप इसको कोई साइंस नहीं बनाना, कोई नापना नहीं है, इतने इंचेस जिस तरह आपको महसूस हो रहा है थोड़ा सा आगे है, मुझे भी कभी अगर नजर आया आपका देखा हुआ लिखा तो इस तरह से महसूस हो, थोड़ा सा नीचे में रहता है एंड देयर इज नो साइंस इन इट। पहले मैंने कैश क्यों लिखा, क्या कैश हमेशा पहले आएगा, क्या कैपिटल हमेशा बाद में आएगा, डेबिट हेड पहले आएगा, इस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हो रहा है इसके पहले आ रहा है और इसी ट्रांजैक्शन में कैपिटल क्रेडिट हो रहा है इसके बाद में, लास्ट है जो है डेबिट हो रहा है उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखना है और वही सेम अमाउंट जिस हेड ने उस हेड के सामने क्रेडिट कॉलम में, क्या दोनों ने इतने इतने से ही डेबिट क्रेडिट हो, क्या देख समझिए सर, एनी कंफ्यूजन है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। मत लिखे दो करोगे।
जी सेकंड ट्रांजैक्शन को इंग्लिश में एक अकाउंटेंट के नजर से पढ़ा, सेकंड ट्रांजैक्शन कैसे जहन में अरेंजमेंट करके डेबिट पहले और क्रेडिट बाद में रख के बोलने की कोशिश करा। बैंक डेबिट ऑनर एंड लोन फ्रॉम इंजमाम। डेफिनेटली अभी हम लर्निंग फेज में, आपको अगर जरूरत पड़े तो आप अपना वो पेज जरूर निकाल सकते हैं जिन पे पहले हमने इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से लिखा, निकालने तो रहेंगे। जहां हमने क्वेश्चन नंबर वन में इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से चीजें लिखी हुई हैं उनको हमें रिवाइज करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन पहली कोशिश क्या हो कि जुबानी करें। हाँ अगर कर भी लें तो चेक जरूर करें, लेकिन अगर ना समझ आए तो हेल्प ले सकते हैं। तो क्या नजर आते हैं वहां वही दो कौन सा, बैंक एंड लोन फॉर्म इंजमाम। पहले कौन सा लिखो, क्यों बैंक पहले लिखो, डेबिट हो रहा, देखें अपने उसी पेज पर डेबिट हो रहा, और क्या लोन फॉर्म इंजमाम क्रेडिट हो रहा। अब इसे इस जर्नल के फॉर्मेट में कैसे लिखो, फाइल लिखो, डेट जरा कहीं बताइए क्या सब करती, बैंक डेबिट लोन फ्रॉम इंजमाम। सबको पता है क्यों तरतीब बनी, अमाउंट बताया 5 मिलियन, क्या बैंक 5 मिलियन से बढ़ा और क्या लोन भी 5 मिलियन से बढ़ा। तो बैंक बढ़ा है, एसेट बढ़ा, लोन बढ़ा है, लाइबिलिटी बढ़ी है। डाले सर यहाँ तक दो नोट करें, और इसके साथ जरा क्वेश्चन नंबर वन इंडिकेट करें। कल ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा लिखा है, अगर लिख लेंगे बता दें। क्या किसी एक पेन से लाइन लगाना और किसी दूसरे पेन से लिखना और क्या स्केल होना ही जरूरी है, और अकाउंटिंग तो होती रहती है। खुदा के लिए बाकी सारी चीजें वापस रखें, एक पेन बस हाथ में पकड़े और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहके तकरीबन सीधी लाइन काफी। अभी ना करें ऐसे यार, कमाल, सफाई सुथराई अपनी जगह, लेकिन जो रियल चीज समझने वाली है वो नहीं अडॉप्ट कर रहा। ये बेटा सिर्फ ये दो लिखे हैं अभी आपने, नोट्स वाला पेज आपने खुद लिखना होगा, मैं सामने कर दूंगा। अभी आपने आगे नहीं जाना काइंडली, एक मुझे और ट्रांजेक्शन करवानी फिर उसके बाद आप खुद कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हमारी साइड पे है। बड़ी मायूसी से यस निकला। जी बजा साहब फैंडी नीचे बच्चे जो बैठे हुए इनसे जरा पता कर ले कोई, और ये दूसरे रूम में कौन सा बैठा, ये दूसरे रूम में 203 रूम कोई बैठा था सामने बैठा गया, मैंने कितनी दफा कहा लोगों को फर्स्ट लाइन बैठा गया था साहब फर्स्ट लाइन क्या आपसे वहाँ बैठा। इस बच्चे को अगर कन्फ्यूजन है प्लीज नीचे वाले रूम में तो प्लीज बताया करें, बल्कि आप खुद पूछा करो यार, बैठ जी बैठ जाए साहब प्रोमिनेंट जगह पर बैठ जी। नोट कर लिए सर, लिख लें लिख लें। अगर कोई लिख रहा है तो बता दो यार, बाय राइटिंग है डब्ल्यू। जी सर थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ा सर, बिस्मिल्लाह आसान है, मेरा ख्याल अरेंजमेंट करें जेन में
कैश डेबिट कोई भी मेरे जैसा, अगर आपको गुमराह करे तो बेटा गुमराह नहीं हो, हक का साथ देना है, देखी जाएगी इंशाल्लाह। जी सर, वाई मशीन पहले सर, नहीं एसेट नहीं, एसेट है बर्ड, एसेट बर्ड, एसेट नहीं है, कैश भी एसेट है, इस पर तो बहस हो रही है। मशीन क्यों पहले, क्योंकि एसेट बर्ड, मशीन वाला एसेट बर्ड, देख बताइए। तो मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, 50 या 60। तो कभी भी अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, और अगर कोई एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट। बात समझ आ गई सबको, मेरा ख्याल है कि निचली करने की आप कोशिश होनी चाहिए। ट्राई टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सी, लेकिन कंप्लीट साइलेंस, सॉरी क्वेश्चन नंबर वन बात हो गई, थैंक यू। जो ऑनलाइन स्टूडेंट स्पीक कर दी, क्वेश्चन आपके सामने आने लगा, ट्राई टू कंप्लीट द फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट साइलेंस। ऑब्वियसली अगर आप महसूस करें तो जो पिछली वर्किंग्स हो चुकी हैं उनमें, उनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्लीज पहले खुद से कोशिश शुरू करें। जी बेटा फाद, जस्ट अबाउट, बच्चे सारे मिल जाएंगे। जी बेटा आप नहीं कर रहे, जी हाँ खो गए सर, नया सॉफ्टवेयर ही समझे सर, इस मार्केट में आ गया, चलाना सीखे सर, मिनट लगाया बस। अच्छा अकाउंटिंग हेड्स जो बेटा हमने आइडेंटिफाई किए हैं ना, वो ऑलरेडी वही हैं। अकाउंटिंग हेड्स कितने कितने लिखने हैं, लोन फ्रॉम क्रेडिटर वगैरह, ये वर्ड्स ना बदल जाएगी, जो बातें कंप्लीट हो चुकी हैं अपनी जगह, वो एज इट इज अब यूज होंगी। मुस्कुराहट की क्या वजह से, थर्ड लाइन में नीचे दोस्त बैठे हैं, येलो एंड ब्लैक शर्ट, सर जी किधर देख रहे हैं, सर जी आपको कह रहा हूँ तो बैठा क्या होगी, पूरा मोहल्ला देख रहे हैं, मैं आपको से बोल मेरी आवाज कम्प्लीट करें बस, सर जी को कर रहा था, जस्ट
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को करते जा रहे हैं, बताते रहिएगा। बेटा कंपनी हेड्स को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में तरतीब लगा के लिखना है, पहले हमेशा को हेड लिखना है जो डेबिट हो रहा है, और देन हमेशा को हेड लिखना है जो क्रेडिट। ठीक है, फाइनल है। हर ट्रांजैक्शन में से आइडेंटिफाई करने हेड्स, और फिर हमेशा डेबिट वाले पहले लिखें और हमेशा क्रेडिट वाले बाद में। देखना यार, मेरा तो ख्याल था कल क्रिकेट खेलते, लेकिन आपको बात टाइम ही नहीं मिला, पहले मर्जी है आपकी, मैं तो ठीक है, बड़ी बुरी है। नेक्स्ट संडे को हो सकता पढ़ाई का प्लान बन जाएगा, अब देखते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, ओके जस्ट मिनट बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल कर लो जी, कोई लिख लो सब। ठीक है, कभी मेरे पास पेज नहीं है, पेज दे दो कोई अपना, पेज नहीं है कर दिया। ये सारी कहीं फाइनल कर सर, मैं लिखता जा रहा हूँ अपना मैच कर। वैसे सितंबर 6 वाले दिन आपने इंशाल्लाह लिखा होगा, तब के अल्हम्दुलिल्लाह लिखा होगा, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट एंड क्रेडिटर के पास क्रेडिट बाय रुपीज फाइनल 25। जी कोई कंफ्यूजन अगर होगी तो बस बताना। ये बेटर टेस्ट है, आपने किसी भी दिन तैयार रहना, जैसे ही मुझे महसूस होगा कि हम इस पोजीशन में आ गए तो थोड़ा सा पढ़ लिया टेस्ट पर, इंशाल्लाह साथ ही टेस्ट होगा। तो डेली बेसिस पे फिलहाल जो पढ़े इसको आपने इस एंगल से पढ़ना, पढ़ के रखना कि हर वक्त हम तैयार हैं। इस सितंबर 6 के बाद सितंबर 9 आपने इंशाल्लाह लिखा होगा कैश डेबिट बाय रुपीज ना बेटा, पहले लिखा ना लिखेंगे कैश, मतलब ये कैश बैलेंस है, और कैश बैलेंस कहाँ पड़ा होगा, कैश लिखने की जरूरत नहीं। जी सर, सितंबर 18 लोन फ्रॉम इज जमा पहले लिखने की वजह लाइबिलिटी कम होने की वजह से डेबिट हो बाय रुपीज 8,00,000, और पेमेंट बाय चेक होने की वजह से बैंक ने क्रेडिट और इसलिए बाहर नहीं आ रहा, सॉरी लोन फ्रॉम इज। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा किस हेड ने पहले आ, जिससे डेबिट हो उसकी कोई भी नहीं है, डेबिट हेड पहले आना है और क्रेडिट हेड उसके बाद। ओके देन सर, उसके बाद आ गया सितंबर 22 ट्रेडर शहबाज को पेमेंट होने की वजह से लाइबिलिटी ने कम हो देना, क्रेडिटर शहबाज डेबिट
और इसका बिल मैंने साथ आपको कैश लिखवाया था, तो कैश अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 5,50,000। जी आई एम अज्यूमिंग सबका ठीक है। सर बेटा उसके बाद सितंबर 26 दोबारा लोन रीपे हुआ, लेकिन अब कैश से शायद रीपे हुआ, तो लोन फ्रॉम इंजमान डेबिट, लोन फ्रॉम इंजमान डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट पर रुपीज 1,00,000। लास्ट वन सर आपने लिखा होगा ऑफिस मशीनरी डेबिट सितंबर 30 पे, ऑफिस मशीनरी डेबिट, ऑफिस मशीनरी पहले लिखने के बजाय क्योंकि अब एसेट बढ़ रहा है और क्रेडिट और समीर लाइबिलिटी बढ़ने हैं तो क्रेडिट होनी है, इसलिए वो बाद में आ रहे हैं, तो हमेशा पहले डेबिट है और फिर क्रेडिट है। क्रेडिटर्स समीर क्रेडिट, ये सबका ठीक है बेटा, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सॉरी अमाउंट फाइव डेट देन सर अब इस तरह करते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है ये अब आपको इस उम्मीद पे होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप करेंगे, और इसलिए कल की भी छुट्टी दे रहा हूँ। एक चीज है कंडी, यहाँ रुक के हम जहाँ खड़े हैं रटे भी करेंगे, पूरा कंडी जहाँ बैठेंगे 5 मिनट हमें अपने बारे में जरा सोचना है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कौन सा असल में पढ़ना है और कौन सा पढ़ी जा रहा है। ये गेम सर जी सीरियस नहीं सर जी, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन का आपने देना पेपर, और हम अभी अकाउंटिंग भी शुरू कर सकते हैं। ये गेम सर जी सर ज्यादा सीरियस है, इसलिए हमें यकीनन कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगाना ही पड़ना है, तो क्योंकि हमने कल भी पढ़ना ही था तो घर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब कभी हमें एहसास होगा महसूस होगा कि घर से ही नहीं पढ़ा जा सकेगा तो फिर मिलजुल के टाइम निकालना जरूरी हो जाएगा। तो ये कंपल्शन है, आपकी अकाउंटिंग से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मजबूरी भी अपनी जगह है। तो यकीनन आज हम खुशी खुशी जा सकते हैं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो हम खुशी खुशी संडे को आ भी सकते हैं। दोबारा बैठिएगा जरा, जब भी आपने क्वेश्चन घर में करने हैं तो इसका एक तरीका है, वो काइंडली जरूर सुन के उठेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है और थोड़ी सी जगह नीचे बच गई पेज पर, तो वहां से क्वेश्चन नंबर 2 नहीं शुरू करना, क्वेश्चन नंबर 2 एक नए पेज से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर लिखना है, इस तरह प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, और जहां तक क्वेश्चन नंबर 2 जाए वहां जाने देना है। फिर अगर नीचे जगह बच जाए तो उसको छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 नए पेज से शुरू करना है, और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी नए पेज से शुरू करना है। तो प्लीज इन चारों क्वेश्चंस के जर्नल मंडे को आपके रजिस्टर में बने हुए मौजूद होने चाहिए। इंशाल्लाह मैं सारे डिस्कस जरूर कर दूंगा कि ताकि कोई गलती है तो ठीक हो जाए, लेकिन अगर आपने लिखा ना हुआ तो बेटा कोई यूजलेस हो जाएगा। तो प्लीज कल जरूर टाइम निकालना, एक अच्छी सी रिवीजन भी इंशाल्लाह हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़ सर।